बिटिया क्या है मम्मी? आज फिर तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है मम्मी। और अगर तुम्हारे होने वाली सास तुमसे पूछे कि ससुराल में क्या क्या करोगी, तो उनसे बताना कि घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, चूल्हा फूकूंगी, और अगर समय मिलेगा तो पति देव के लिए पुराना स्वेटर उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी के लिए गरम तेल में पकौड़े तलूंगी, सासू माँ आपके लिए बड़े गले का ब्लाउज काट कर फिर सिलूंगी। ठीक है मम्मी। बड़ी सुंदर बिटिया है आपकी। और बताओ बिटिया, शादी के बाद ससुराल में क्या क्या करोगी? माँ जी, मैं घर में झाड़ फूक करूंगी, और समय मिला तो पति देव को उधेड़ कर फिर भिनूंगी, ससुर जी को गरम गरम तेल में तलूंगी, और आपका गला काट कर फिर सिल दूंगी। अरे अब हम लोगों का दिन खत्म हो गया मुर्गा भाई। अरे क्या बोल रहे हो खसी भाई? अबे अब सावन खत्म हो गया, अब इंसान लोग राक्षस की तरह टूट पड़ेगा हम पे। ये तो सही बोल रहे हो भाई, एक महीना से किसी ने हमारा शकल नहीं देखा था, अब मिलेगा तो सब चबा चबा के हमको खाएगा। अबे हमके तो कम में खाएगा सब, तोरा के तो लेग पीस सब चबा जाएगा। अरे ऐसा बात नहीं है भाई, तुमको भी पूरा बराबर ही चबाएगा। बात तो तुम सही बोल रहा है, अब कल से हम किसी के प्लेट में भात के साथ और तुम किसी के प्लेट में चावल और पुलाव के साथ। क्या बोले, अब एक महीना हम लोग पूरा मजा लिया, अब 11 महीना ये लोग पूरा मजा लेगा। बीच में थोड़ा सा मिलेगा छूट, दुर्गा पूजा है, उसके बाद फिर राक्षस जैसा चबाएगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं है भाई। अच्छा सुनो। क्या है? मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं करती, खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, लेकिन तुम मेरे रिश्तेदारों की जरा भी इज्जत नहीं करते। अरे नहीं डार्लिंग, ऐसा नहीं है, अब तुम ही देखो मैं अपने सास ससुर की नहीं बल्कि तुम्हारे सास ससुर की इज्जत करता हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, जियो में आपका स्वागत है, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? एक चुम्मा दे सकते हैं? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?